दोस्तों आपन समस्त को आम चैनल टेड विजुक्सन आइडिया को स्वागत। तो आपंकर जो शिक्षक जो अच्छा जेटी जेटी सी अच्छा आपण मैं भिड इंपोर्टां और समस्त टीचर भी इंपोर्टां कि बेसिकाली जेटी जेटी जो अच्छा कहीं आप कहूँ ना आपण चाकरी जॉइन करार 6 वर्ष पर आप रेगुलाइजेशन होगी रेगुला जो हूँ आप मूल चाकरी अर्थात आरंभ आप जॉइन करते आप 12 वर्ष पर आप एच एम हो पारे आप मूल चाकरी जो आप जेटी सी आरंभ कर 16 वर्ष परे आपनको एबीओ कर दिया जीवो किंतु गोटे प्रॉब्लम आपनकर पाखरे जदि आपन पाखरे ओटेड पेपर 2 नाही ओटेड पेपर 1 अछि एवं आपन ग्रेजुएशन से सिटी बीएड जहां भी करथन कि सेटा मैटर नहि किंतु ओटेड पेपर आपन पाखरे जदि 1 अछि ताहाले आपन एबीओ बीओ हे परबे नाही जदि आपन पाखरे ओटेड पेपर 2 अछि देन आपन एबीओ बीओ प्रमोशन हे परबे। स्कूल एंड मास एजुकेशन गोटे फ्लो चार्ट आपन पाखरे पहुंचि जाय छि जे आपन देखैबी एवं प्रमोशन रिलेटेड जे लेटर आसला प्रीवियसली म आपन देखै दिली सेथिरे मन ए मेंशन दिला किंतु हाँ तर आउ गोटे स्टेप मेनसन थी एडीओ पदवी जाके आप प्रमोशन किंतु वर्तमान से फ्लो चार्ट एडीओ पदवी ना ओनली आपर बीओ एवं सीनियर बीओ जाके आप लिमिटेशन रखी दिखाई जहाँकि सीनियर बीओ जाके आप पहुंचाप 20 वर्ष पाखापाखि समय लगे कि पहुंचे पारे कहीं कहूँ आप जो मैंने वर्तमान जूनियर टीचर जेटीसी जॉइन कर प्राय से बयस 22-23 वर्ष 24 वर्ष पाखापाखि जॉइन कर 20-54 वर्ष पहुंचे सीनियर बीओ 50 वर्ष बीओ पदवी में पहुंच जाए अर्थात आप चाकर 10 वर्ष काल आप जड़े एजुकेशन ऑफिसर भाव में काटिपारे। तो यह निश्चित भाव में गोटे भल सम्मानजनक कार्यक्रम गणशिक्षा विभाग पक्ष आरंभ कराई कि कागजपत्र सीमित रोचे ना इम्प्लीमेंटेशन करा देखा बाकी रहा है जो मैंने ओटेड पेपर 1 क्वालिफाई केवल करते ग्रेजुएशन सहित सीटी अच्छी से ओनली बा ग्रेजुएशन सहित बीएड भी अच्छी ओनली आप सीनियर टीचर जाके प्रमोशन पाइपे से लिमिट रही है आप प्रमोशन पाइपे ना कि ओटेड पेपर 2 थे प्रमोशन दिज्वे ओके डिटेल फ्लो चार्ट देखी आपको से विषय आलोचना करवा कि कही रखा चाहिए आप फर्स्ट टाइम चैनल व्यू करते चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिखाते जहाँ आप चैनल से इनिशियल इनफर्मेशन पारे जॉब रेट पारे एनालाइज करेंगे स्लो इनफर्मेशन पारे। तो गोटे डाउट आप क्लीयर करदे जिते पर्यटन आप सीनियर टीचर अच्छा ठीक अच्छे जब एबीओ होते आप गोटे ब्लक बहुत सारा एबीओ रोचे आप हिसाब से ओडिशा बहुत सारा ब्लक आप एबीओ हो पारे जो टोटेड पेपर 2 क्वालिफाई करते हाँ गोटे ब्याच में जिते एबीओ बाहर से तो भैकांट नाले आप कौन करेंगे शुणु समस्त एबीओ हिसाब से पोस्ट दि जा नपे कि एबीओ जो मैंने होती केवल मानने एबीओ होते गोटे ब्लक काम करेंगे ता मान ना आप कौन जो पुराणा आपर जो रोडाल स्कूल रही है हेडमास्टर रही पारे कि आप पे स्केल हे एबीओ पे स्केल आप बीओ होती हे तो आप बीओ पोस्ट वैकेंट नई पारे कौटे पाई नपरती कि आप पे स्केल हे बीओ स्केल आपठी भी ना कौटी आप बीओ जहाँ क्षमता आपटा उपभोग करेंगे। तो से विषय में फ्लो चार्ट देखिए आप डिटेल जापरेंगे चलो देखने जहाँ भी रही है फ्लो चार्ट और से रिगार्डिंग जहाँ भी डाटा और निश्चित भाव आशा करी आप इनफर्मेशन पारे लाइक टे करेंगे समझे सेयार करने बेती आपन एक्सपेक्टेशन रहइबो चलन देखिनो एटा आपन देखिनियंतु रहिछि गवर्नमेंट ओडिसा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ लेटर टी एवं एठी आपनकर जो फ्लो चार्ट हेछि आपनको भलसे देखंतु एवं एई जो चिट्ठी आपनकर हेथिला ताहा आपनकर 8 मार्च 2019 रे हेथिला एवं आमी तापर आलोचना भी करथिले किन तर फ्लो चार्ट एटे आछि जे कहथि आपन फ्लो चार्ट ओनली कंट्राक्चुअल सर्विस ये आपकी देखो कंट्राक्चुअल सर्विस आप एस एस जेटी सी आपटा आप क्वालिफिकेशन हो एच एस सी सहित एच एस सी बर्तमान ना हायर एच एस सी विथ हायर सेकेंडरी सहित सीटी डीएलएड विथ 50% मार्क एवं 2011 बैच पर लागू होके। तो 11 बैच पूर्व जो जॉइन कर लागू होनी देखो नेक्स्ट देखो ग्रेजुएशन विथ आपर बीए बीएससी बीकॉम से सहित जदि सीटी डीएलएड बीएड कर 50% मार्क रखते देन से सेकेंड कोर्स रही हाँ यहाँ आप ओटेड पेपर 2 यहाँ पेपर 1 फास्ट 1 ओके। तो देन 3 वर्ष पर आप जेटी बोली डिक्लेयर हो जूनियर टीचर और ता 3 वर्ष पर आप रेगुलर कर दिया होती रेगुलर सर्विस आप आरंभ होती आपर लेवल 5 आप एंट्री करते आज एन असिस्टेंट टीचर ओके। तो नेक्स्ट आपंट आफ्टर 4 इयर्स देखो जो 6 इयर्स पड़ा पूर्व 6 इयर्स पड़ा देन नेक्स्ट रही है 4 इयर्स 4 इयर्स पर आप सीनियर टीचर लेवल भी रोचे लेवल भी रो आप बी को पढ़ाऊँ सीनियर टीचर होके। तो
तार 2 वर्ष पर आपंट हेडमास्टर ऑफ ए प्राइमरी स्कूल तो नेक्स्ट ये हूँ ग्रेजुएट टीचर ओके ग्रेजुएट टीचर ये हूँ कौन सी यूपी स्कूल क्वालिफिकेशन रही देखते ओटेड पेपर 2 से रही है ओटेड पेपर 1 रही है ओके तो नेक्स्ट आप कौन प्रमोशन होती है आफ्टर 2 इयर्स देखते तो आफ्टर 2 इयर्स पर आपर सीनियर हेडमास्टर ये हूँ प्राइमरी स्कूल जो मैंने इटिके आसे सिटी डीएलएड सहित एवं जो मैंने एठू ग्रेजुएट टीचर होकर आसे तौक से हेडमास्टर होती अपर प्राइमरी स्कूल यूपी स्कूल ओटेड पेपर 2 सहित ओके तो ता 2 वर्ष आउ प्रमोशन दि जाऊना देखो सरी नो फर्दर प्रमोशन आउ प्रमोशन आपको मिल पार ना जो मैंने सिटी सहित पेपर 1 क्वालिफाई करते कि पेपर 2 जो मैंने क्वालिफाई करते प्रमोशन होते कौन होना एबीओ होती 2 वर्ष पर 2 वर्ष पर बीओ होती मिनिमम 1 इयर सर्विस बिफोर रिटायरमेंट आपको निश्चिंत भाव 1 इयर समस्त को मिल बीओ हमार चान्स एंड आपर सीनियर बीओ हमार चान्स भी मिनिमम 1 इयर बिफोर रिटायरमेंट आपको मिल ओके तो आप देखो ये आप प्रमोशन सरी चाकरी का सरी रिटायरमेंट हो तो यह ही रही पूरा प्रमोशन फ्लो चार्ट जहाँकि आप बेटर अंडरस्टैंड इश्यू कराई आपश्चित भाव में आपको हेल्पफुल रहा है बुझापी तो आशा करी आपको वीडियो माध्यम से कंप्लीट इनफर्मेशन दे पार्टी आप हेल्पफुल रही है पुणी आपको देखा वीडियो जाए दिखाई दिखाँ।